26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्पित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध ने भारतीय थल सेना व वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में जोहर दिखाने में पीछे नहीं रही। टोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते समय वायुसेना ने कई बहादुर अधिकारी व अन्य रैंक भी इस लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक थे जिन्होंने एक के बाद एक सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी। यहां तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया और उन्हें शेर शाह के नाम से भी नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में महाभारती का लाटला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह ही शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जी बत्रा, फादर ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा बोल रहा हूँ। तो अभी 26 जुलाई को हमारा कारगिल विजय दिवस आ रहा है और हम प्रतिवर्ष इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी प्रथा है कि हम अपनी विजय का उत्साह हमारे दिलों में होता है और हम अपने शहीदों को याद करते हैं और हमें इस बात का गौरव भी है कि विक्रम बत्रा जी को भी सारा देश आज के दिन याद करता है और भी जितने शहीद हुए हैं सबका स्मरण हम करते हैं और ये एक हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और ये करना भी चाहिए क्योंकि जो देश अपने वीरों को अपने शहीदों को स्मरण नहीं करता है वो इतिहास में अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। अब बात आती है कि जो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है हमारी जो नेबरर्स हैं हमारी जो पड़ोसी देश हैं वो जिस प्रकार से हमारे लिए सिरदर्द बने हुए हैं तो ये हमने देखा है कि प्रारंभ से ही चाहे वो आज़ादी पूर्व 1947 पहले की बात है तो भी जो है वो विदेशी यहाँ पर आक्रमण करते रहे आते रहे उसमें मुगल हैं और तुर्क हैं और अफगान हैं और ये सभी किस्म के जो है लोग यहाँ पर आए उन्होंने आकर के हम लोगों पर अत्याचार भी किए और वो 1947 के बाद अगेन द सेम थिंग कि वो जो है हमारे लिए सिरदर्द हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो बने हुए हैं। कारगिल विजय दिवस ये एक आम दिन नहीं है, ये भारत के लिए भारतीय सेना के लिए और हम सब भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसके अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारी सेना का एक अद्वितीय कार्य था कि जिन्होंने दुश्मन को ऐसे दुर्गम स्थानों से खींच खींच के बाहर निकाला और उनको खदेड़ा। कितनी कठिन मतलब जो स्थिति थी कि दुश्मन जब हमारे
बंकरों में आके बैठ गए और हम नीचे से ऊपर उनको निकाल के हमने खदेड़ा। तो ये एक हम सब देशवासियों के लिए गर्व का दिन है। तो इस दिन मैं जो हमारे जितने मैं शहीद हैं उनको मैं नमन करता हूँ